वेलकम दोस्तों, आज आम पढ़ा कूलिंग सिस्टम सीजन फाइव। तो कूलिंग सिस्टम कहले कौन करा जाए ओडिया रे ना शीतलीकरण पद्धति। जेते बड़े इंजन दीर्घ समय धरी काम करी थाए से समय कौन करिवा ना इंजन रो अत्यधिक ताप उत्पन्न होई थाए। जेते अधिक ताप उत्पन्न करिवा से कौन करिवा ना इंजन को क्षति करी थाए बा इंजन अधिक हीट होई से मेल्टिंग अवस्था को आसी जाए तरल अवस्था को आसी जाए। से समय कौन कर से समय कौन कर दरकार आम ना इंजन को कूल करा दरकार कूलिंग सिस्टम आवश्यक रही। कौन कौन कूलिंग सिस्टम आम कर ना एयर कूल्ड सिस्टम रही, वाटर कूल्ड सिस्टम रही, लिक्विड कूल्ड सिस्टम रही। सब कूल व्यवस्था आम व्हीकल भितर रखा आवश्यक। कौन ना एयर कूल्ड द्वारा पवन अनवरत प्रभावित हो कौन कर ना इंजन को ठंडा रखी थाए। तो कौन ना ये हूँ वायु सहित स्पर्श इंजन बाह्य क्षेत्रफल बाहर आवरण जो क्षेत्रफल रही ठीक रही दरकार पवन भितर को भल भाव जा दरकार। वायु प्रवाहर दर ठीक रहा दरकार जो वायु जो जगार आम व्हीकल ड्राइविंग करचे से जगह कौन ना वायुर पवन रात्रा भल रही दरकार। वायु एवं इंजन मध्य तापर तारतम्य जो वायु रही हिट एयर अच्छी कूल एयर अच्छी नहीं तो आमको कूल एयरटा भल भाव आमर एयर फिल्टर दे मेसीन को प्रभावित भल भाव हो दरकार। इंजिन व्यवहित होता धातुर कंडक्टिविटी भल रही दरकार जो आम परिवाहित हो इंजिन भर जो एटा जो रास्ता दे जा से रास्ता बा से जगह आमर ठीक रही दरकार जो कंडक्टिविटी कहवाहिता नहीं सेटा ठीक रहा दरकार। ये सला आमर एयर कूल्ड सिस्टम आम पढ़ा सेकेंड हूँ वाटर कूल्ड सिस्टम। तुम्हें भावुव पाने कि आमर इंजिन को कूलिंग सिस्टम आम ये व्यवहार करचे कि इंजिन को कूल करने नुह इंजिन को जो जो हिट उत्पन्न हो हिट को कंट्रोल करने आम कूलिंग सिस्टम व्यवहार करचे। कहीं भी कहबन कि इंजिन को कूल करने नुह इंजिन को रिड्यूस करने इंजिन को कंट्रोल करने आम व्यवहार करचे कूलिंग सिस्टम। वाटर कूल्ड सिस्टम रे कौन है ना पानी कौन करे ना सिलिंडर चारिपटे बुलू थाए जो सिलिंडर भर पिस्टन तल को हुए कंप्रेसन करे नहीं जोठू हिट रिड्यूस हो नहीं से हिट आ सी कौन करे ना कंट्रोल करचे वाटर साहय से पुणी वाटर आसिक आमर रेडिएटर मध्य पहुँचुची। ये हूँ आमर रेडिएटर देखा जा रेडिएटर जो फ्रंट लगी रेडिएटर बोली कहु रेडिएटर साहय कौन हो आसिकी कौन पहुँच ना रेडिएटर पचर गोटे फैन लगी से फैन साहय वाटर को पुणी थे कूल कर सिस्टम चालू रोच। तो ये सिस्टम कौन कह वाटर कूल्ड सिस्टम। देख रेडिएटर विषय मुझे कह रेडिएटर रे आम कौन कौन रही दुईट टैंक रही जोटा कि अपर टैंक आ गोटे लोअर टैंक रही लोअर टैंक जो नौली से वाटर जैकेट सहित कनेक्टिंग रही आ गोटे जिन व्यवहार होगा प्रेसर कैप बोली कह। तो इंजिन कूलिंग आवश्यक उपकरण गुड़ाक कौन कौन रही आम से डिस्कसन करवा एक हूँ रेडिएटर रेडिएटर कैप कूलेंट रिजर्वियर रेडिएटर को ठंडा करने फैन वाटर पंप थर्मोस्टेट वाल्व इंजन कूलेंट एवं हीटर कोर इंजन ऑयल कूलर ये सब आम देखा कौन कौन देख भिड मु फोटो शो कर रेडिएटर विषय तो जान लो ये हूँ रेडिएटर ये हूँ कार रेडिएटर सेकेंड हूँ रेडिएटर कैप या को रेडिएटर कैप कह कहली प्रेसर कैप नहीं ये हूँ रेडिएटर कैप सेकेंड हूँ कूलेंट रिजर्वियर ये देख ये हूँ कूलेंट रिजर्वियर आपको कूलेंट रिजर्वियर भी कह देख ऊपर भी लिखा है कूलेंट इंजन कूलेंट रिजर्वियर नहीं ये हूँ कार रेडिएटर फैन जोटा कि फैन साहय रेडिएटर उपर प्रभाव पकड़ पुणी थे वाटर को कूल कर पुणी थे इंजिन भितर को नहीं था तो या को रेडिएटर फैन बोली कह हूँ आमर वाटर पंप जो कि पानी पंप बोल की ओडिया कह जाए वाटर पंप।
ये रहा आमर थर्मोस्टेट भल्व। यहाँ हीटर कोर बोली कह जा ये हूँ इंजन ऑयल कूलर। ऑयल कूलर द्वारा तार सब डायग्राम गुड़ा देख ये हूँ ऑयल कूलर डायग्राम। आम देखा कूलांटर व्यवहार कर उद्देश्य कौन आम कूलांट कौन व्यवहार करे इंजन रे उत्पन्न होता अत्यधिक ताप अवशोषण कर जो इंजन भितर जो अधिक हीट उत्पन्न होत्यधिक ताप उत्पन्न होपटा को सी कौन कर अवशोषण कर शोषिक से नहीं जा नहीं सेकेंड कौन हो इंजिन कार्यकारी होगापी जो तापमात्रा आवश्यक कमा कूलांट से तापमात्रा को बजाय रखी था। ये सरला आम कूलिंग सिस्टम। थैंक यू।